In this video, I'm going to take you in a virtual travel experience to Cocteau Island. इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो काफी फील आएगी और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चेक आउट दिस टीज़र। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू शर्मा व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब, कामना करता हूँ सब बढ़िया होंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। तो गाइज, सबसे पहले तो सॉरी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं बना पा रहा। तो आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक बढ़िया व्लॉग, बिल्कुल ज़बरदस्त व्लॉग, थोड़ा सा अलग है, एक हिस्टोरिकल प्लेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम वहाँ पर चलेंगे, एक आईलैंड है जिसका नाम है कोकाटू आईलैंड, तो हम वहाँ पे चलेंगे। हम भी क्या, आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ, ये फर्स्ट व्लॉग होगा जिसमें कोई नहीं है मेरे साथ। और इसका कारण ये है कि मैं आज एक सोलो ट्रैवल करना चाहता हूँ, अकेले थोड़ा फील करना चाहता हूँ क्या कुछ होता है अकेले में। तो आज मैं अकेला जाऊँगा बिल्कुल, और बाय ट्रेन जाऊँगा। गाड़ी को जैसे आप पीछे देख सकते हो, मैंने पार्क लगा दिया यहाँ पे पार्किंग में। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, इसी बिल्कुल सिटी में जाएगी, और आईलैंड जाने के लिए मेरे को सिटी से फेरी लेनी पड़ेगी। तो वहाँ से मैं फेरी लूँगा और यहाँ से हम चलते हैं ट्रेन में। अभी मैं टाइम चेक करता हूँ कितने बजे हैं, तो निकलते हैं देरी ना करते हुए। तो गाइज़, मैंने अपने साथ लिया मेरे एक बैग, और आज कुछ नहीं है बाकी, एक बैग है साथ में, और जिसमें कि मेरी ज़्यादातर एसेसरी हैं, और साथ में जैसे कि वाटर वगैरह। हाँ जी, तो मैं यहाँ स्टेशन पर खड़ा था, जैसे कि आप बोल देते हैं ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी कंट्री मानी जाती है किस्म से, और आप बोलते हैं कई बार भाई बंदे के आप तक कहाँ कहाँ मिल जाए। तो यहाँ पर स्टेशन पर देखो मेरे साथ है वंश भाई, सारा ने वंश मेरे गांव का लड़का है, मेरे साथ रहा है, तो यार दोस्त है, यहाँ पे मेरे को मिल गया। तो अभी साथ में तो नहीं चलेगा, चलेगा साथ में? नहीं यार, मेरी जॉब है आज, इसकी जॉब है, और वीकेंड पर भाई जॉब करा, डबल पे रेट है, डबल है 70। काफ़ी टाइम बाद मिले दोनों, और बड़ा ही अच्छा लगा भाई मिलकर भी। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा अपना ट्रिप, और भाई अभी जॉब पे जाएगा, तो लेते हैं यहाँ से ट्रेन और निकलते हैं फिर आगे के लिए। मैं पहुंच चुका हूं सेंट्रल, और बिल्कुल दो स्टेशन हो रहते हैं, फिर हम पहुंच जाएंगे सर्कुलर की, उसके बाद लेंगे हम फेरी और चलेंगे फेरी में। हाँ जी, तो आप पहुंच चुके हैं इस टाइम अपने जो लास्ट मेरा स्टेशन था सर्कुलर की, जो सर्कुलर की स्टेशन है यहाँ पे, जो स्वाब है, उसकी क्या है खास बातें देखो। एक तो यहाँ से आपको फेरी मिलेगी, यहाँ पे स्टेशन है, सारे रैफ हैं जितनी भी सब रैफ के स्टेशन बने हुए हैं, और वो यहीं से मिलते हैं ज़्यादातर। और नंबर दूसरी, यहाँ पे आपको ओपेरा हाउस भी मिलेगा, और आओ ओपेरा हाउस, और साथ में ही इसके बिल्कुल हार्बर ब्रिज, दोनों साथ में ही होते हैं यहाँ पर ही सर्कुलर की पे। और जो आप ये बड़ा शिप देख रहे हो, ये होता है जैसे कि न्यूजीलैंड वगैरह जाने के लिए लोग ट्रैवलिंग करते हैं 15-15 दिनों के, और एक महीने के लिए बाहर जाते हैं, और ये जो मतलब सारा कुछ होता है इसमें एवरीथिंग, जैसे कि अपना टाइटन वाला था, तो इसमें लोग घूमते हैं, बिल्कुल रूम वगैरह सब कुछ बने हुए हैं। तो मैं पहले भी इसके बारे में काफ़ी वीडियो यहाँ पर बना चुका हूँ सर्कुलर के ऊपर। तो बहुत ही ज़्यादा बिजी सबर्ब है, और नीचे की क्राउड तो आप देख ही सकते हो। तो अभी के लिए चलते हैं नीचे और लेते हैं फेरी। तो अभी बाहर निकलते हैं, यहाँ पे टैप कर देते हैं एक बार।
बहुत ही ज़्यादा इजी है गाइस। मैंने जैसे कि गूगल पे चेक किया फेरी, तो वो रैफ नंबर 5 पे जाना है, तो वो रहा 5। और ये हमारी आ चुकी है फेरी, इसमें हम जाएंगे अभी। और एंट्री मैंने यहाँ पे भी बिल्कुल कार्ड लगता है, जैसे कार्ड हम टैप करते हैं वैसे यहाँ पे भी लगता है, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है इसका। आमतौर पर जैसे ट्रेन में लगता है $4-5 ऐसे ही होगा, या ज़्यादा $10 होगा। हमारे को चाहिए व्यू, तो हम आगे से यहाँ से चलेंगे फ्रंट में से। गाइस आप लोग देख ही सकते हो मेरे पीछे है बड़ा सी पीसी के पास से होकर हम जा रहे हैं, तो मैं एक बार इसका भी आपको पास से व्यू दिखा देता हूँ। ये जितने भी आप ऊपर देख रहे हो ये छोटे छोटे रूम हैं, और जैसे एमरजेंसी के लिए छोटे छोटे ही क्या कह सकते हैं इसको, किस्तियाँ हैं छोटे छोटे जी, भाई चल एमरजेंसी में हम यूज कर लेते हैं इनको। ये सिडनी की सबसे ज़्यादा महंगा होटल बोल सकते हैं इसको, ये सारा का सारा शीशे का बना हुआ है। गाइज हम पहुंच चुके हैं और ये है सारा का सारा कोकाटू आइलैंड, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, चिमनी वगैरह काफ़ी कुछ बना हुआ है अंदर। तो हाँ भी ये छोटी छोटी ये क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हैं, रेस लगेगी इनकी अभी। और वो आप ये आप मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो देखो वहाँ पे कैंपिंग वगैरह लोग करते हैं, आते हैं जब यहाँ पे वीकेंड्स पे और वीकडेज में भी आते हैं लोग, और एक दो दिन के लिए बुक करा लेते हैं और यहाँ पे कैंपिंग करते हैं लोग। ले जी आप आ चुके हैं कोकाटू आइलैंड पे, एक बार टैप कर देते हैं। और ये है कोकाटू आइलैंड, यहाँ पे फीलिंग यार्ड है, और आते ही पता लग गया कि कहीं पुरानी जगह पे आए हैं, जैसे कि आपने भी देखा है वर्दी में खड़े थे। तो गाइस जैसे कि मैं भी आज फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, मेरे को भी नहीं पता फालतू में भाई मैं झूठ बोल दूँ आपको कि मैं आया हूँ या कुछ भी है, तो मैं मेरे को भी देखना पड़ेगा कहाँ पर क्या है। और यहीं से शुरुआत करते हैं तंबू से, बैकग्राउंड दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। लेकिन जो कोकाटू आइलैंड है इसका नाम कोकाटू क्यों पड़ा, यहां पर ऑस्ट्रेलिया में एक जैसे वाइट तोता होता है जिसके ऊपर थोड़े सींग से भी होते हैं, हमें दिखा ये वाला, तो उसका नाम है कोकाटू। और यहां पर जो मेन ये आइलैंड है यहां पर बहुत ज़्यादा वो पाया जाता था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसका कोकाटू पड़ गया। लेकिन अब जैसे कि यहां पर लोग घूमने आने लग गए तो वो बहुत ही कम हो गए यहां पे। मेन बात क्या है कोकाटू आइलैंड की, ये पहले एक जेल थी बहुत पुरानी, ऑस्ट्रेलिया की 11 जेलों में से एक जेल कोकाटू आइलैंड। और यहाँ पर जैसे कि जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक कैदी होते हैं और वो यहाँ पर रखे जाते थे, और बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइट रूम्स में, अंडरग्राउंड रूम्स में, और एक किस्म से एक शहर से दूर, सिडनी से थोड़ा सा दूर वहाँ पर इनको रखा जाता था। तो इसके बाद वो बंद हो गया वहाँ पे, जब ये जेल बंद हो चुकी थी तो उसके बाद यहाँ पर एक स्कूल खोला गया, गर्ल स्कूल, और
ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, तो वो भी बंद हो चुका था। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद यहाँ पर शिप वगैरह बनाई जाती थी, एक किस्म से बिल्ड की जाती थी, और उनको यहाँ से फिर तैयार करके भेजा जाता था जहाँ पे भी। तो बहुत ही पुराना है इसकी हिस्ट्री, अब साथ साथ में जहाँ पे भी लिखा हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो निकलते हैं फिर और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पे, क्या कुछ नहीं। तो ये है पूरा का पूरा यहाँ का कोकाटो आइलैंड का मैप, जो मैंने बताया था आपको शिप वगैरह तैयार किए जाते थे वो यहाँ पे किए जाते थे। मैं दिखाऊंगा ये भी जगह आपको, और हाँ यहाँ पे भी होते थे, हाँ यहाँ पे बनाने लग रहे फिर आगे ट्रांसफ़र ऐसे। तो फिर एक किस्म से इसको बाद में पोर्ट बना दिया था, कि ज़्यादातर इनका कंस्ट्रक्शन का जो शिप बनाने का सामान होता है वो ट्रांसफ़र करते थे। तो गाइस हम शुरुआत करते हैं उस खदान से, वहाँ से चलते हैं। वो एक टनल बना रखी है और ये थोड़ा छोटा सा पहाड़ है, इसके अंदर है पूरी की पूरी टनल। तो यहाँ से हम आए हैं और अभी पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कुछ है ये क्या कुछ नहीं है। हाँ इस साइड से तो इन्होंने बंद कर रखा है, ये काफ़ी पोर्शन बंद किया हुआ है, तो एंट्री सिर्फ यहीं से है और पहाड़ के उस तरफ हम जाएंगे। ये अंदर का सीन है, थोड़ा सा स्केरी सा है, काफ़ी लंबी है ये टनल। और ये क्यों बनाई गई थी टनल, ताकि वर्ल्ड वॉर में सभी को यहाँ पे बचाया जा सके, जो प्लेन से ऊपर से वार होता था, बारूद वगैरह जब ऊपर से डाले जाते थे तो यहाँ पर वो सेफ मानते थे इसके अंदर, क्योंकि ये अंडरग्राउंड है और इससे अब से बनाया गया, ऊपर पहाड़ है पूरा का पूरा, तो जो उसके बम होते थे गिराए जाते थे वो उसमें सेफ रहते थे लोग, इसलिए ये जगह बनाई गई थी अंदर, सारे लोग फिट हो जाते थे इसके अंदर ना। हाँ थोड़ा सा डर तो लगता है अकेले को अंदर, अगर कोई अकेला बंदा हो ना, अभी तो चल बंदे हैं यहाँ पे अंदर काफ़ी जनता है, लेकिन जब अकेले आते हैं तो थोड़ा डर लगता है। तो ये अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, ये वो जगह है जो मैंने आप लोगों को अभी मैप में दिखाई थी, यहाँ पर शिप तैयार किए जाते थे, यहाँ पे लगा के सारे शिप यहीं पे तैयार होते थे। क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई मेजर इवेंट है, यहाँ पे इवेंट चला हुआ है गोरे लोगों का, तो उस करके ये बंद कर रखा है सारा का सारा इस एरिया। और ये क्या था, ये एक किस्म से वर्कशॉप है सारी की सारी, जितने भी जो तैयार किए जाते थे ये शिप वगैरह, तो यहाँ पे उनका सारा का सारा मशीनरी और सामान वगैरह सारा यहाँ पे होता था। तो आई कांट गो इनसाइड, सो मैं बाहर से एक बार जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ मशीनरी वगैरह। ये किस्म जैसे पुरानी गाड़ियाँ होती हैं ना, उनकी सेल होती है यहाँ पे, ऑक्शन लगी हुई है, तो इसलिए मैं जा नहीं सकता अंदर। अंदर गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं, जैसे लैम्बोर्गिनी वगैरह लगी हुई हैं, लिमोजीन, एवरीथिंग, आपको अंदर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा जो कॉस्टली होती हैं अपने यहाँ पे मिलती हैं, जैसे कि आप फिल्मों में देखते हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस में देखते हैं वो वाली गाड़ियाँ, इनके आगे जो गाड़ियाँ लगी हुई उनके बोनेट वगैरह खुले हुए हैं, वो सारे के सारे खोल खोल के देख रहे, बिल्कुल ही मूवी वाला सीन है अंदर नज़ारेदार। तो गाइस सबसे मेन बात है यहाँ कि ये गाड़ियों को यहाँ पे लेके कैसे आए हैं, हर एक गाड़ी को यहाँ पे ये बाई शिप से लेके आए हैं, फेरी से तो आ सकते, बड़ी शिप से लेके आए हैं। और क्या है कि यहाँ पे लेके आना ज़रूरी था, इतना तो वहाँ पे सिडनी में भी दिखा सकते थे, लेकिन ये यहाँ पे कुछ स्पेशल जगह पे इनको लेके आए, यहाँ पे इनकी ऑक्शन की, और अभी जो स्पेशल लोग इन्वाइटेड हैं उनको बुला रहे हैं, शैंपेन वगैरह दिखा रहे हैं सारा कुछ, और काफ़ी लोग मेरे जैसे बेचारे लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से, जितने भी थे बाहर से देख देख के, तो हम भी चल पड़ते हैं भाई वहाँ कर नहीं सकते ना कुछ, तो करने दो, चिल मारते हो, हम चलते हैं आगे की तरफ, आगे दिखा देते हैं। चलो वर्कशॉप का करना भी क्या था, और ये है कुछ यहाँ का सीन, ही है मैंने दिखाई दी आप लोगों को,
ऊपर जाना पड़ेगा भाई, वो देखो वहाँ तक ऊपर चलेंगे और देखते हैं ऊपर भी क्या है, पहाड़ के ऊपर कुछ डिफरेंट लगेगा। अब इसमें चलेंगे भाइयों, शायद ये है जी, हाँ यहाँ से एंट्री। ओ काफ़ी पुराना स्टाफ है यहाँ, बिल्कुल जेल वाली फीलिंग, सेम वही है जैसे मूवियों में नहीं, बिल्कुल घूमते रहते हैं लोग और बातें वगैरह करते हैं जैसे मूवियों में, तो वैसे ही है सेम यहाँ पे भी। और एक ये है, ये भी देख लेते हैं क्या। वो पीछे बंदे खड़े, मैं डर गया, मैं पता नहीं कौन खड़े मन में वही है स्केरी सा। तो ये यहाँ का, ये क्या है भाई, ये मूवी मावी दिखाते थे क्या थे बैठ के, इनके बारे में कुछ नहीं। ये है एक यहाँ पे, क्या है ये, इसके साइड बाय साइड डोर लगे हुए हैं, ये विंडो है शायद, मेरे को लगता है उस टाइम ये जो डोर है ये बंद रहते थे, इसके अंदर ही कुछ कैदी होते थे, ये विंडोज ही लगी हुई हैं बस, इनमें से वो देख सकते थे बाहर। ले भाई ये आ गया इनका किचन एरिया, यहाँ पे ये कुकिंग करते थे जितने भी हैं, ये पुराने टाइप के चूल्हे चूल्हे बना रखे हैं इन्होंने, ये पता नहीं क्या है, ये भी हीट आती थी इसमें से बाहर, या चूल्हा जैसे अपने इंडिया में होता है चूल्हा, नीचे आग बाल के यहाँ पे बनाते थे, है ना। कितने कैदियों ने यहाँ पे रोटी बना के खाई होगी, कितने कैदियों की यहाँ पे बनती होगी, है ना। आज हम यहाँ पे घूम रहे हैं, बिल्डिंग 5 है, कुक हाउस, कन्विक्ट कुक हाउस, ये जो मैंने अभी दिखाया आपको। अच्छा ये सारा का सारा देखो, यहाँ पे भट्टी जलती थी, देखो ये काला हुआ पड़ा है सारा का सारा। ओके, और ये हुआ था 1839 से 41 के बीच में यूज किया गया था इसको, और ये किस्म से जैसे होता है वो चीज़ है विंडो। अब यहाँ से भी बाहर निकलते हैं, मैं उसी ग्राउंड में पहुँच गया अभी जहाँ से वो दिखाया था मैंने, वहाँ से मैं निकला था, इधर मैं गया था और ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब ये देखते हैं ये क्या, असेंबली सी है, तो असेंबली होती है जैसे, सेम असेंबली सी है, पता नहीं, हाँ ये किचन के साथ में शायद यहाँ पे बैठा के रोटी ना खाते हो या कुछ भी, आई डोंट नो। ये खुला वैसे ही जैसे का, पर लोगों ने शायद ट्राई तो किया होगा यहाँ से भागने की, पानी में जैसे पानी है साथ में ना, आई डोंट नो क्या कुछ हो होगा पहले क्या कुछ नहीं, बस ये पता है भाई गोल गोल घुमा रखा है सारे में काफ़ी जगह है यहाँ पे, पता नहीं कैमरे में तो वैसे ही दिखता है भाई, ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस भी है आसपास में, और खुला भी काफ़ी है। ये जो है जितने भी ये लेटर बॉक्स हैं, लेटर बॉक्स है ये क्या है ये, हाँ ये है, तो ये उसी टाइम के लगे हुए हैं, पुराने के पुराने ही हैं, ना ये नहीं है कुछ भी। तो ये है गाइज लेटर बॉक्स ही है ये, हाँ पुराना है काफ़ी अपने टाइम का। चलो अब इसके अंदर देखते हैं, ये है एक किस्म से गार्ड हाउस जहाँ पे अफसर लोग बैठा करते थे और सिक्योरिटी किया करते थे जितने भी लोग थे यहाँ पे, तो यहाँ पे अंदर बैठते थे वो, एक किस्म से चारों तरफ से कवर है, ऊपर से है नहीं कवर आज ये अंदर से कवर है, और ये खूंटियाँ जो हैंगिंग के लिए होती हैं शायद आर्म्स जितनी भी बंदूकें वगैरह होती थी वो यहाँ पे हैंग करते थे जहाँ तक मेरा ख्याल है, हाँ। और ये विंडोज़ वगैरह लगे हुई हैं जैसे अगर कुछ भी होता है तो देखने के लिए। ओह ये क्या है के वास्ते, नहीं वैसे लगा बाहर से थे,
और ये फायरवर्क्स के लिए, जैसे कि ठंड यहाँ पे ऊंचाई है ना तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे वो आग जला के सेकते थे इसको, आग को। ये पता नहीं किसके लिए है। यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई है, जैसे कि ये है 15, 16, 16 हर एक विंडो पे, 17, 18 सभी पे अलग अलग काउंटिंग है। बड़े वाले पे तो है नहीं शायद, लेकिन छोटे वालों पे है सभी पे। तो यहाँ पे मैं एक बार रीड कर लेता हूँ इसके बारे में, अगर कुछ डिफरेंट हुआ तो। नहीं, यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, मिलिट्री, द मिलिट्री गार्ड हाउस एंड बैरक्स। तो यहाँ पे पूरा छोटा छोटा मैप बना हुआ है कि किधर क्या है। ऑडियो टूर क्या होता है यहाँ पे, सारी जगह यहाँ पे लिखा हुआ। अगर इसके बारे में हमको ब्रीफ में जानना है तो हम वहाँ पे बार कोड लगा हुआ, उसको स्कैन कर सकते हैं। अरे भाई सभी जा लिए यहाँ से, मैं भी निकलता हूँ, डर लगता है यार। ओके, इधर भी जाके देखते हैं जी। हाँ, ये है फायर प्लेस। जब गोलियां गालियां चलानी हैं तो यहाँ से चलती हैं, फिर एक किस्म से एक साइड से पूरी फायरिंग, ओपन फायरिंग। ओके, इधर भी विंडो लगी हुई है। ये दोबारा एक और लेटर बॉक्स पुराना, अकेले का तो डर लगता है, पीछे पीछे थे है थोड़ी सी, अगर अकेले आप आते हो तो यहाँ पे थोड़ा डर लगता है, डोंट नो व्हाई। थोड़ा सा एक हल्का हल्का सा ना ये होता है कि मैं अकेला हूँ और यहाँ पे पुराने टाइम में पता नहीं क्या क्या हो रखा है, तो थोड़ी सी फीलिंग अलग आती है। ये है एक, ये जहाँ तक ख्याल है मैंने पढ़ा था इसके बारे में, ये है जैसे हम फिल्टर एक किस्म से पानी प्योरीफाई करते थे, वो इसमें डालते थे पानी, अफसर लोग इसमें डाल के वो पानी को, और नीचे बैठ जाता था जो जितनी मिट्टी वगैरह होती थी वो नीचे बैठ जाती थी, ऊपर से साफ पानी ले लेते थे वो। हाँ, जो ये वाली जगह है, यहाँ से क्या होता था, कोई भी अगर इन्होंने शिप लॉन्च करना है, यानी कि वो रेडी टू गो है, तो यहाँ से करते थे वो लोग। बिल्कुल ही एक, ये देखो ये तो बिल्कुल ही बैंड बाजे भी बजा रहे यहाँ पे जो बड़ा शिप होता था उसको दिखाते थे पूरी की पूरी, और ढोल के साथ इनको, नगाड़ों के साथ स्वागत करते थे। तो मैं नीचे आया यहाँ पे, वहाँ पे भी कैंपिंग चली हुई है लोगों की, जूम करके दिखा देते हैं। वो देखो लोग अभी भी यहाँ पे भी नीचे कैंपिंग करते हैं लोग। इसके अंदर सब कुछ, जैसे बेड वगैरह मिलेगा आपको, और कुकिंग लोग बाहर ही करते हैं इससे निकल के। और ये है सारा का सारा उस साइड शिप, जहाँ से शिप को रेडी किया जाता था और लॉन्च किया जाता था यहाँ पे। मैं इनके ऊपर तो नहीं जाऊँगा, डर लगता है भाइयों जितना भी है यार, लोग यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं, एक बात है दिल को मानना पड़ेगा भाई लोगों को। यार नहीं होता कैंपिंग वगैरह यहाँ पे, इतनी डरावनी जगह पे, रात को तो बिल्कुल ही डर लगता है यहाँ पे। चलो मैं तो दिन में आया हूँ, रात को बिल्कुल ही सन्नाटा, और अगर कुछ भी आवाज़ आ जाए तो बिल्कुल ही ख़त्म बंदा। तो भैया आवाज़ कैसी थी। ये है लॉन्च एरिया, लॉन्ड्री वगैरह ये है इनकी, टॉयलेट्स भी हैं। तो ये पुरानी शिप रखी हुई है यहाँ पे, जो अभी आप देख रहे हो गाइस, ये है एक किस्म से फायरवर्क जो कैंप फायर होता है। यहाँ पे लोग जैसे इकट्ठे होते थे रात को, और अफसरी लोग होंगे, पता नहीं कैदियों को तो कहाँ रखेंगे यहाँ पे, तो वो लोग यहाँ पे बैठ के रात को चिल वगैरह मारना, और ये आग जगा लेते थे जिससे कि ठंड वगैरह ना लगे। हाँ, ये जो कैंप फायर इज ओनली टू बी, यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी लिट बाय कोकाटो आइलैंड स्टाफ, ये स्टाफ के लिए था। तो अच्छा था यहाँ पे भी लोग
बैठते थे, तो इनके सामने यहाँ पे ये तंबू वगैरह लगाए रखे हैं। तंबू देखो, ये हैं बुक्स के शौकीन, यहाँ पर बैठे बुक्स पढ़ रहे, लैपटॉप चला रहे, लोग एंजॉय कर रहे बिल्कुल ही, पानी के सामने बैठे हुए नज़ारे कैंपिंग के। तो गाइस, ये जो आप देख रहे हो ये बाहर से दिखाई देती है जेल, कैदी यहाँ पर जैसे रहते थे अंदर, इनमें से देखते थे वो। ये जो लकड़ी होती है उनको ड्राई करने का स्टोर है, ड्राई करते थे उनको। अगर कोई नहीं रहा यहाँ पे तो मैं ही अकेला रह गया। भाई कोई नहीं है आसपास में बिल्कुल भी, सिर्फ मैं और मेरे सामान के अलावा। तो जल्दी से आप यहाँ से उस तरफ चलते हैं जिस तरफ लोग हैं, मैं भटकता हुआ इधर आ गया। ओहो, मिल गए लोग, मिल गए साथ में, अभी दिखे हैं लोग। ज़्यादातर ना यहाँ पे बंद है, जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो ज़्यादातर बंद है यहाँ पे बिल्कुल ही। ये वो रूम बने हुए हैं छोटे छोटे, जैसे कि कह देते हैं ना बंद कमरे में, ये भी डोर बंद कर देते थे। बिल्कुल अंधेरा और ज़्यादा खड़ा भी नहीं हो सकता बंदा इसमें, सिर्फ थोड़ा सा मतलब जो लंबा जो छोटा लड़का है वो तो हो जाता था, लेकिन जो लंबा है वो यहाँ पे लड़का कोई भी नहीं खड़ा होगा। और ऐसे इधर भी छोटा सा, अंदर भी डोर है इसके, और मैं अंदर डर लगता है तो मैं नहीं जाऊँगा अंदर, नहीं कोई है भी नहीं यहाँ पर, अंदर बिल्कुल अंधेरा। तो मैं आपको बाहर ही से दिखा देता हूँ इनके बारे में, ये बिल्कुल जेल के नीचे बने हुए हैं, बिल्कुल अंधेरा रहता था इनमें। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है यहाँ पे भी कि ये एक किस्म से पनिशमेंट के लिए दिया जाता था, कुछ ज़्यादा ही जो सेकेंडरी प्रिजनर होते थे ना, सेकेंडरी प्रिजनर यानी कि जो एक दूसरे लेवल के होते थे, तो उनको यहाँ पे रखा जाता था और एक किस्म से सजा दी जाती थी इसमें रख के। तो ये टोटल 12 पनिशमेंट सेल बने हुए हैं मिलिट्री के अंदर इसमें। देखो गाइस, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हो, ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया ये तो एक सेकेंडरी है, लेकिन जो इससे भी बड़े क्रिमिनल होते थे और जो प्राइमरी उस पर थे उनको बिल्कुल ही नीचे रखा जाता था। जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया उस साइड, वो बिल्कुल ही छोटा सा कमरा होता है नीचे, उसमें रखा जाता था उनको। अभी तो मेरे को लगता है बंद है, वैसे आप लोग इसमें देख सकते हो, ये तो मैंने दिखाए हैं जो, ये तो वो है 3, और ये जो ओपन किए हुए हैं यहाँ पे उनको रखा जाता था। तो ये था यानी कि बहुत ही ज़्यादा टफ सजा देते थे यहाँ पे उन लोगों को। तो गाइज, मेन बात क्या है यहाँ की, जो कि मैंने आपको दिखाया अभी, यहाँ पे एक जेल होती थी पहले वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, तो वो जेल काफ़ी पुरानी थी, उसमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक कैदियों को रखा जाता था, जिन्होंने बहुत ज़्यादा बड़े क्राइम कर रखे हैं और सिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। तो सिटी से थोड़ा हट के ये जो टापू है यहाँ पे रखा जाता था। अभी भी मैं वहीं पे बैठा हुआ हूँ जहाँ बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हो आप जेल है। तो गाइज, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जेल बंद हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पे एक शिप का यार्ड बना दिया जाता है, क्योंकि जो टूट फूट होती है वॉर में जो शिप की, वो यहाँ पे लाई जाती है और उनकी मेंटेनेंस और ठीक जो टूट फूट होती है वो ठीक करते हैं लोग। यहाँ पे एक किस्म से मेंटेनेंस यार्ड बना दिया जाता है और नए जो समुद्री जहाज हैं वो भी यहीं पर बनाए जाते थे, फिर उनको लॉन्च करते थे। तो ये एक किस्म से हिस्टोरिकल प्लेस है, अब लोग यहाँ पे घूमने आते हैं और नीचे कैंपिंग वगैरह भी करते हैं, होटल्स भी हैं, तो लोग यहाँ पे स्टे भी करते हैं 2-2, 3-3 दिन कैंपिंग जैसे लोग करते हैं, यहाँ पे शौक है लोगों को। तो ये थी वीडियो जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, तो होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। हाँ जी, तो देरी ना करते हुए यहाँ से निकल लेते हैं, और ये पीछे है यहाँ पे फेरी आ चुकी है, 2 मिनट में यहाँ से चल देगी।
हाँ जी, तो अभी थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस ट्रेन स्टेशन के लिए, हम अभी पकड़ेंगे ट्रेन पैरामीटर से। तो गाइज, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।